जीसस चाला गोपवाड़े। जीसस बहुत महान है, चाला आदर्श पुरुषुडे। वे एक आदर्श व्यक्ति हैं। करुण कोसमु त्यागम कोसमु तन देहाने अर्पितम गाविंचिनटुवंटि। उन्होंने अपने शरीर का त्याग दूसरों के लिए कर दिया। उन्होंने करुणा और त्याग के लिए अपनी देह छोड़ दी। कानी अतन चेप्पिनटुवंटि बोधनलु ईनाडु एवरु अनुसरिंचटं लेदु। परंतु आज कोई भी उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहा है। ఈనాడు జీసస్ పుట్టిన దినం అనేటువంటిది ఒక క్రిస్మస్ మాదిరి చేసుకొని ఆనందంగా భోజనాలు చేసుకొని కాలాన్ని గడుపుతున్నాం। आज हम जीसस का जन्मदिवस क्रिसमस पर्व के रूप में उत्सव, आनंद और भोजन इत्यादि के साथ मनाते हैं। ఇది కాదు మనం చేయవలసినటువంటిది। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। తరగనటువంటి ఒక వారి బోధనలు మనం ఆచరణలో పెడుతూ రావాలి। हमें उनकी शिक्षाओं को जो बहुत विशाल और अनंत हैं, आचरण में लेने का अभ्यास करना चाहिए। I am the messenger of God, अने मोट्टमोट्टान चेप्पाडु। उन्होंने पहली घोषणा की कि मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ। प्रति मानवुडु कूडानु दैवम योक्क मेसेंजर। और प्रत्येक मानव ईश्वर का संदेश वाहक है। कनुक एवरिकि वारु नेनु दैवम योक्क मेसेंजर। इसलिए सभी को यह महसूस करना चाहिए कि मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ। और ऐसा महसूस करते हुए हमें दिव्य शिक्षाओं का प्रसार करना चाहिए। इसलिए हमें समाज को दिव्य सिद्धांतों की शिक्षा देनी चाहिए। यही संदेश वाहक का कर्तव्य है। रेंडावली आई एम द सन ऑफ गॉड। उनकी दूसरी घोषणा थी कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। నేను అతని దైవం యొక్క కుమారుని నేను। मैं दैवीय पुत्र हूँ। కనుక దైవం గుణాలను నాలో ప్రవేశించాలి। इसलिए मुझ में दैवीय गुण होना ही चाहिए। కనుక ఆ దైవానికి ఏ గుణములు ఉంటున్నాయో ఆ గుణములు నాలో ప్రవేశించాలి। इसलिए मुझे उन सभी दिव्य गुणों को समझना चाहिए, अपनाना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए जो ईश्वर में होते हैं। तभी तुम्हें ये अधिकार प्राप्त होगा कि तुम स्वयं को ईश्वर का पुत्र कह सको। और अंत में उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पिता एक ही हैं। हमें इस एकत्व की भावना को आचरण में प्रकट करना चाहिए। इसलिए विविधता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये एकत्व ही है जो कि महत्वपूर्ण है। आज केवल बोलने बताने के लिए मौखिक उपदेशों का प्रचार होता है, परंतु आचरण में कुछ भी नहीं लिया जाता। प्रेम 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 और केवल प्रेम। प्रत्येक सभा में भगवान सदैव प्रेम पर ही बोलते हैं। परंतु कितने लोग हैं जो कि प्रेम के सिद्धांत का पालन करते हैं? प्रेम तत्वान्नि एंतमंदि अर्थं चेसुकुन्नारु? कितने लोग इस प्रेम को समझ पाते हैं? एवरिकि ई प्रेम उंटुंडादि? परंतु किसमें वास्तविक रूप में ये प्रेम है? एक्कडा कनिपिंचडं लेदु। यह तो कहीं दिखाई नहीं देता। ई प्रेम उंटेप्पुडु देशमनेदि रावडानिकि अवकाशं लेदु। जहाँ प्रेम होता है वहाँ घृणा नहीं होती। ఎవరిపైనా అసూయ అనేటువంటి రాకూడదు। किसी से भी ईर्ष्या की भावना मत रखो। కనుక ఈ దుర్గుణములు ఎప్పుడు వచ్చిందో అప్పుడు ఈ ప్రేమ అంతర్భాగమైపోయింది। जैसे ही ये दुर्गुण अंदर प्रविष्ट होते हैं तो तुरंत प्रेम खत्म हो जाता है। ఇది కేవలం ఒక్క హార్ట్। हृदय केवल एक ही है। म्यूजिकल चेयर का दो लेक डबल सोफा का दो। और वहाँ कोई संगीत की कुर्सी की प्रतियोगिता जैसी अनेक कुर्सियाँ या दो लोगों के बैठने लायक सोफा नहीं है। ये रेंडू चेयर लाने की कड़ स्थान दे दो। वहाँ दोनों के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल एक ही बैठ सकता है। प्रेम हृदयములో చేరిందా దేశమనే అక్కడ ఉండడానికి వీలు లేదు। जहाँ एक बार तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो वहाँ घृणा रह ही नहीं सकती। प्यूरिटी उन्नपड़े यूनिटी मन प्रवेश। जब तुम्हारा हृदय पवित्रता से परिपूर्ण होता है तो वहाँ एकत्व की भावना होती है। ये यूनिटी उन्नपड़े डिविनिटी मन प्राप्त। जब एकत्व की भावना होती है तो तुम दिव्यता की अनुभूति प्राप्त कर सकते हो। प्यूरिटी ने ले आज जब पवित्रता ही नहीं है इनकी ये विधि प्रेम मन में प्रारंभ होती है तो फिर हम में प्रेम किस प्रकार विकसित होगा? प्यूरिटी 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 केवल पवित्रता
पवित्रता और पवित्रता के माध्यम से बिना किसी इच्छा के स्वयं को भगवान को समर्पित करो। भगवत अर्पित मन जीविता गड़पाले, भगवान को समर्पित करके अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करो। अभी ये आनाडो जीसस चेसने ट्वेंटी ठीक यही वो है जो जीसस ने किया। अंत भगवत अर्पित भावित्याडु, उन्होंने प्रत्येक चीज को दिव्य ही माना। तनकु शिलक वेश कोडुतुन्नारु, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, उन्हें कीलों से ठोक कर लटकाया गया। चाला मंदी एडुस्तुन्नारु, तब बहुत सारे लोग रोए। అప్పుడు అశరీరవాణిగా చెప్పాడు, ఆల్ ఆర్ వన్ మై డియర్ సన్ బి అలైవ్ టు ఎవరీవన్ అన్నాడు। तभी एक स्वर्गिक आवाज आई, मेरे प्रिय पुत्र सभी एक ही हैं, इसलिए सभी से एक जैसा व्यवहार करो। डेथ इज द डेथ ऑफ लाइफ अन्नाडु, उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु तो जीवन का वस्त्र है। मन జీవితానికి దినము ఏ విధంగా డ్రెస్ మార్చుకుంటున్నామో, जिस तरह हम प्रतिदिन वस्त्रों को बदलते हैं, मन జీవితానికి కూడాను ఈ దేహములనే డ్రెస్ మారిపోతుంటాయి, ठीक उसी तरह हम मृत्यु के साथ शरीर रूपी वस्त्र भी बदलते हैं। ఈ దేహములంతా కూడా మనం ధరించినటువంటి డ్రెస్సెస్, इसलिए ये शरीर भी एक वस्त्र के समान है। కనుక ఈ విధంగా మనం డ్రెస్ గా మనం భావించాలి, దీనికంతా మనం ఏ మాత్రం విచారించకూడదు। इसलिए हमें इस शरीर को एक परिधान के रूप में समझना चाहिए और इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। समस्त लोका।